सबसे पहले देखो भी सबसे बढ़िया काम दुनिया में कौन कर रहा है, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जैन साहब, जो सबसे हमारे गुरु है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं कुमारी रानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? मांगे राम इंसा। कहाँ से हैं सर आप? डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र ब्लॉक धुराला जी, हरियाणा। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? बस अपना ऐसी है, क्वालिफिकेशन तो कम ही, पढ़े लिखे तो कम ही है पर एक्सपीरियंस ज़्यादा है जी। गुरु जी के ऊपर जो मीडिया में आरोप लगाए गए हैं, उनके ऊपर आप क्या कहेंगे? गुरु जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए, आरोप लगाने वाले को ये देखना चाहिए ना, पहले यहाँ के देखना चाहिए कि जो 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 काम कर रहे हैं संस्था में, सबसे पहले देखो भी सबसे बढ़िया काम दुनिया में कौन कर रहा है, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जैन साहब, जो सबसे हमारे गुरु है, उसको हम अपने गुरु मानते हैं। ऐसा काम किसी ने, जो जितने भी पहले संत आए, किसी ने पहले आज तक किसी ने ऐसा काम किया ना, कोई आगे करने की आस। आज जी, आज समाज में गुरु जी की कितनी जरूरत है? बहुत ज़्यादा, जितने कहे ना, कम से कम 1000% जरूरत। गुरु जी के ना रहते हुए जैसे बुराइयाँ आज जो फैल रही हैं, तो गुरु जी की शिक्षा में चलते हुए आप लोग इतने मानवता भलाई कार्य कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, ये किसके प्रेरणा पे? ये सब इसकी प्रेरणा है, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी साहब, हमारे गुरु। 138 मानव भलाई के कार्य जो चल रहे हैं, ये सब इसकी प्रेरणा है। पहले जो सफाई महाअभियान से लेकर देख लो, पहले रक्तदान देख लो, जो ब्लड डोनेट होता है, ऐसा कोई नहीं दुनिया में जो पहले ब्लड डोनेट जो शुरू किया हमारा डेढ़ सौ चौदह ने किया, सफाई महाअभियान जो अपना जो ये राजनीति में जो कह रहे भी सफाई अभियान जो बाद में चला, जो पहले हमारे डेढ़ सौ चौदह ने सफाई महाअभियान जो भी कार्य जो 138 मानव भलाई के कार्य जो चलाए हमारे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी साहब, इन्होंने जो सबसे बढ़िया जो काम किया आज तक दुनिया में किसी ने किया ना, क्या करने की आस। आज यहाँ पर जैसे आप बोल रहे हैं कि गुरु जी ने बहुत से मानवता भलाई कार्य किए हैं, यहाँ पर क्या शिक्षित क्या अनपढ़ सभी आते हैं एक एकजुट में, उन्हें किस तरीके की शिक्षा दी जाती है धार्मिक? हाँ, ये यहाँ पे सारे धर्मों के लोग आते हैं जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जी, सब सारे धर्म के लोग यहाँ पे सभी को एक जगह बिठा गए, सर्वधर्म संगम हमारा डेढ़ सौ चौदह सर्वधर्म संगम जी, सभी को एक ही पाठ पढ़ाते हैं, ये नहीं है किसी को अलग अलग से बिठा के पढ़ाते हैं, सभी को एक पाठ पढ़ाते हैं जी। आपका कहना है, आपका कहना है कि यहाँ पे इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, सभी को एक एकजुट बिठा कर एक ही तरीके से शिक्षा दी जाती है जी। तो फिर भी उसके बावजूद भी गुरु जी पर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आप इनके बारे में क्या कहें? ये जो आरोप थे, जो ड्रग माफिया हैं, ये जो अफीम बुक्की स्मैक हेरोन जो ये बेचने वाले हैं, ये नहीं चाहते ये बाहर आए गुरु जी। गुरु जी कहे भी अंदर रहेगा तो हमारे जो जो बेटियों के साथ बलात्कार वगैरह हो रहे, जो इतने जो जो कांड हो रहे, सब इन्हीं की वो है जी। बाकी अपने जो डेढ़ सच्चे शब्दों इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, सभी को भी अच्छी शिक्षा भी चले। लड़कियाँ देखो, आज कोई शेप है लड़की जी? कोई लड़की शेप नहीं, क्यों? ये सब राजनीतिक जो कार्य जो चल रहा है, राजनीति की वजह से सब लड़कियाँ जो देखो कितने बुरा हाल, छोटी छोटी बच्चियों के साथ कितना गलत काम हो रहा है। आपने कहा हाँ। तो जैसे मीडिया में आप बोल रहे हैं कि आज भी समाज में बुराइयां हैं, लड़कियों को लेकर बुराइयां हैं, तो क्या यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा में महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित है जी। आगे देखो ना, महिलाओं वहाँ आगे देखो, डेरे में देखो आगे कितनी सुरक्षित है जी। ऐसे सुरक्षित तो कहीं भी नहीं है, कहीं भी सारे विश्व में कहीं भी चले जाओ कहीं सुरक्षित नहीं मिलेगी लड़की जी। जो सुरक्षित अपने दरबार में है डेढ़ सौ चौदह सरसा में, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ईसा की प्रेरणा से लेकर ये सब सुरक्षित है जी। जो मीडिया में दिखाया गया था खासकर महिलाओं को लेकर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? महिलाओं को जो दिखाया गया ये तो सब झूठ है जी। देखो 1% भी सिंचाई हो ना, हम गर्दन कटवाने के लिए तैयार हैं जी, गर्दन देने को तैयार हैं। जो कोई इस सिंचाई 1% भी सिंचाई निकाल दे भी, ये लड़कियों को लेके है ना, ये सब मीडिया वाले जो मर्जी कह दे जी, बकाऊ बकाऊ मीडिया, इनको तो करोड़ों रुपए दो और जिस मर्जी की जो मर्जी करवा लो जी, जो मर्जी की जो झूठ झूठ का जो मर्जी करवा लो इनके पास। तो गुरु जी पे जो भी आरोप लगाए गए हैं वो आपके कहना यही है कि सरासर झूठ है, सरासर झूठ मिथ्या है, कोई उसकी कोई सच्चाई नहीं है, नहीं है। तो आप सरकार से क्या अपील करेंगे इस चीज़ को लेकर? सरकार से तो हम यही अपील करेंगे कि सरकार पहले आके अपने डेरा सच्चा सौदा दरबार में आके देखे, देख के फिर ही कहे ना, ऐसे थोड़ी हम किसी के ऐसी ब्लेम लगा दें किसी के, हाँ एलगेस लगा दें, ऐसे थोड़ी कहना चाहिए, गलत है ना, चलो सर गलत है। देखे पहले आके डेढ़ सौ चौदह में आके देखे क्या क्या कार्य, फिर उसके बाद गुरु जी को लेकर सरकार से क्या अपील करेंगे आप? गुरु जी को लेकर तो सरकार से अपील करेंगे कि आके पहले देखो भी गुरु जी में कोई झूठे आरोप लगाना गलत है, ठीक नहीं है जी।
और आरोप लगाना एक अलग चीज है, तय करना अलग चीज है। क्या आज समाज में गुरुजी की जरूरत है? गुरुजी की 1000% बार बार यही कह रहे, पहले भी 1000% जरूरत है गुरुजी की। तो देखा आप आज भी यही कह रहे हैं सर कि समाज में आज भी गुरुजी की उतनी ही ज़रूरत है जितने की पहले थी। समाज में आज भी उसी तरीके बुराई फैल रही है जो जिसके रोकने के लिए आज भी गुरुजी की वैसे ही ज़रूरत है जैसे पहले थी। अपना सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।